बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलालपुर जट्टा में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के जलसे के बाद हलके की सियासी सूरत हाल पर तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी है। ये जलसा चौधरी अली वड़ाइच ऑफ कुला चोर ने करवाया था, जो मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। चौधरी अली वड़ाइच मुस्लिम लीग नून के डिविजनल प्रेसिडेंट चौधरी आबिद रज़ा के करीबी साथी हैं। PP30 जलालपुर जट्टा, दौलत नगर और इनके गिरद नवा के देहात पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली का हलका है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए दो नुमाया उम्मीदवार हैं, एक मेजर मुइन नवाज़ जो साबिक MP भी हैं और गुज़िश्त कई साल से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, और दूसरे चौधरी अली वड़ाइच ऑफ कुला चोर। इनके अलावा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं, चौधरी अतीकुज़मान डोगा, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। हालांकि उनकी इंतहाबी मुहिम बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, उनके हवाले से किसी और प्रोग्राम में तज्जिया करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मेजर मुइन नवाज़ और चौधरी अली वड़ाइच की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है हल्के में, उसका एक तज्जिया करेंगे। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। साबिक MP मेजर मुइन नवाज इस हलके से 2002 से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने 2002 का इलेक्शन लड़ा, 2008 का इलेक्शन भी लड़ा, 2013 और 2018 का चार इलेक्शन लड़े। चार इलेक्शन में से 2013 का इलेक्शन उन्होंने जीता और MP मुंतखब हुए, और 2002 से पहले उनके वालिद चौधरी गुल नवाज़ इसी हलके से इलेक्शन लड़ते थे। मेजर मुइन नवाज़ नवाबजादा ख़ानदान के उम्मीदवार बनते चले आए हैं। नवाबजादा ख़ानदान पहले पीपल्स पार्टी में था, तो वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। अब नवाबजादा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून में है, तो वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बनते हैं। मेजर मुइन नवाज़ का एक वसी हलका है, जाहिर है कि इतने अरसे से वो इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनको इलेक्शन लड़ने का 20-25 साल तजर्बा भी है, लेकिन उनका सारा इन्हिसार नवाबजादा ख़ानदान पर है और नवाबजादा ख़ानदान का भी उन पर एतमाद है। उनके मुकाबले में चौधरी अली वड़ाइच ऑफ कुला चोर का सियासी तजर्बा बहुत कम है। उन्हें 1.5-2 साल हुए हैं जो सियासत में वो सरगर्म हुए हैं, मुतहरिक हुए हैं, और उनकी कुर्बत है चौधरी आबिद रज़ा के साथ। आप चौधरी आबिद रज़ा को उनका मुर्शिद भी कह सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने हलके के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है, और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशंस। अगर आप इम्प्रेशन और परसेप्शन बनाते हैं तो बाज़ औक़ात ये रियलिटी से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। चौधरी आबिद रज़ा के ज़रिए बलाई की आदत तक उनकी रसाई हुई और फिर वहाँ उनका काफ़ी अच्छा इमेज बन चुका है। यही वजह है कि उनकी इस 1.5 साल में मरियम नवाज़ से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं लाहौर में, और फिर उन्हीं की दावत पर यहाँ जलसे में आए, तो वो उनके घर में गए और 1.5-2 घंटे वहाँ उन्होंने क़याम भी किया। तो ये उनकी बलाई की आदत के साथ एक रिलेशनशिप को भी जाहिर करता है। मेजर मुइन नवाज़ की सरपरस्ती नवाबजादा ख़ानदान कर रहा है, जबकि अली वड़ाइच की सरपरस्ती चौधरी आबिद रज़ा कर रहे हैं, और आबिद रज़ा चूँकि डिविजनल प्रेसिडेंट हैं और इस हवाले से बलाई की आदत के साथ उनके अच्छे मरासम हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। सूबाई असम्बली के टिकट को अवार्ड करने में कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी भी राय बड़ी अहम होती है, उनसे भी राय ली जाती है। यहाँ कौमी असम्बली के उम्मीदवार नवाबजादा गज़नफ़र गुल हैं, अगरचे नवाबजादा गज़नफ़र गुल के भी बलाई क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं और उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, क़यादत के ऊपर काफ़ी कुर्बत है। नवाबजादा ख़ानदान की चॉइस मेजर मुइन नवाज़ हैं, तो इसके लिए नवाबजादा ख़ानदान का इन्हिसार ताहिरुल मुल्क के ऊपर होगा। क्या वो नवाबजादा ख़ानदान की इस चॉइस को बलाई क़यादत के सामने मनवाने की कोशिश करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन चौधरी अली वड़ाइच की सिफारिश चौधरी आबिद रज़ा पूरे जानदार तरीके से करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुबस्सिरीन की राय है कि चौधरी अली वड़ाइच ने इस कम मुद्दत में जो पॉलिटिकल मूव्स की हैं वो चौधरी आबिद रज़ा की शागिर्दी की करामत है।
चौधरी अली बड़ाइच ने भारी सरमायाकारी करके जलालपुर जट्टा का जलसा करवाया और बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था। इसमें ज़िला भर के जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और अपने अपने काफिलों के साथ आए और अपने अपने कारकुनों के साथ आए और जलसागाह को पूर रौनक बनाया और जलसागाह को भरने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन वहाँ मकामी जो खिताब हुए किसी एक रहनुमा को भी तकरीर नहीं करने दी गई, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवाबजदा ताहिरुल मुल्क और वहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार नवाबजदा गुजनफर गुल को भी तकरीर नहीं करने दी गई। ये वहाँ सिर्फ तकरीर चौधरी अली बड़ाइच और उनके मुर्शद चौधरी आबिद रज़ा की हुई। चौधरी अली बड़ाइच के पास इलेक्शन लड़ने के लिए सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनके पास वाफर सरमाया है, मकामी क़यादत की सरपरस्ती है, बालाई क़यादत तक उनकी रसाई है, उनके पास पर्या पर जायद करने वाला डेरा मौजूद है, इफराद मौजूद हैं। एक तरफ उनकी वज़ाकता बड़ी मज़हबी है और दूसरी तरफ पूरा रोब दबदबा और लाओ लश्कर के साथ वो चलते हैं। उनकी मीडिया मैनेजमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में मीडिया में अपना बड़ा ज़बरदस्त इमेज बनाया है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनकी कर रहे हैं जलालपुर जट्टा के सीनियर और कोहना मश्क सहाफ़ी आदम अंसारी। चौधरी अली बड़ाइच को मेजर मुईन नवाज पर एक और एज हासिल है और वो ये है कि मेजर मुईन नवाज जो चूँकि पिछले 20-25 साल से मैदान में मौजूद हैं और अच्छी बुरी कारकर्दगी के जवाबदेह भी हैं, लेकिन अली बड़ाइच चूँकि नए आए हैं इसलिए उनके ऊपर माजी का कोई बोझ नहीं है। ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए कौन ज़्यादा अहल उम्मीदवार हो सकते हैं या किसके स्कोर ज़्यादा अच्छे हैं, चौधरी अली बड़ाइच के या मेजर मुईन नवाज के। चंद दिनों में टिकट का फैसला हो जाएगा।